नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। साइरस मिस्त्री को टीसीएस से भी छुट्टी। साइरस पी मिस्त्री को मंगलवार को टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टीसीएस के निदेशक पद से हटा दिया गया। कंपनी की असाधारण आम सभा में मौजूद 93.71% शेयर धारकों से मिस्त्री को हटाए जाने के पक्ष में मतदान किया गया। मिस्त्री को हटाने के टाटा सन्स के एक विशेष प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई ईजीएम में टीसीएस के 197.4 करोड़ शेयर में से 170.95 करोड़ शेयर रखने वाले शेयर धारकों ने उन्हें हटाने के पक्ष में मतदान किया। कंपनी के अनुसार 93.11% शेयर धारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में, वही 6.99% ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। जीएम से पहले मिस्त्री ने टीसीएस के शेयर धारकों को लिखे पत्र में कहा, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो टाटा समूह की आत्मा है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले 103 अरब डॉलर के समूह की कर्ता धर्ता कंपनी टाटा सन्स के टीसीएस में 73% शेयर है। मिस्त्री को गत 24 अक्टूबर को अचानक से टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था, लेकिन वह समूह की विभिन्न कंपनियों के प्रमुख बने रहे। अंतरिम चेयरमैन के तौर पर मिस्त्री की जगह लेने वाले रतन टाटा ने बोर्ड से और संचालन कर रही कंपनियों से मिस्त्री को हटाकर समूह पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। सोमवार को ही टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज ने मिस्त्री को निदेशक पद से हटाया था। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ताइवान पर चीन ट्रंप से नाराज, दी चेतावनी। सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के फैसले से भारत खुश। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में कोई भी मोबाइल भुगतान है पूरी तरह सुरक्षित नहीं। सेल्फी ने सुलझाया मेट्रो में चोरी का मामला। थाने में नए नोटों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जब्त।